दोस्तों, ये तरण आदर्श जो कि बॉलीवुड के फिल्म क्रिटिक हैं, ये अपने आप में ही अनोखा बंदा है। इतना अनूठा बंदा है ये कि आप कुछ भी अवार्ड वगैरह दे सकते हो। मतलब क्या ही कहें इनके बारे में कि ये हर फिल्म को चार चार की रेटिंग दे देते हैं जो फिल्म देखने लायक तक नहीं होती है। अभी अभी ताजा ताजा इन्होंने जुग जुग जियो को 4 की रेटिंग दी है और इसे विनर बताया है। कहा है कि इसमें कॉमेडी का जोरदार तड़का है, इमोशन है, फैमिली ड्रामा है, बहुत कुछ है इस फिल्म में, और 4 की रेटिंग दे दी। लोग वही बोल रहे हैं, भैया इसके पहले भी तुमने पृथ्वीराज को भी इसी तरह की रेटिंग दी थी, फिर जयेश भाई जोरदार को इसी तरह की रेटिंग दी थी, गहराइयां को रेटिंग दी थी, जर्सी को रेटिंग दी थी शाहिद कपूर वाली, फिर कौन सी आई थी रणवीर सिंह की फिल्म 83, उसे भी इसी तरह की रेटिंग दी थी, कुली नंबर 1 को भी इसी तरह की रेटिंग दी थी। लेकिन हुआ क्या, ये सारी की सारी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप रही है। तो लोग बोल रहे हैं कि लगता है कि तरण आदर्श के पास एडवांस में पैसे पहुंच चुके हैं, इसलिए भाई साहब ने खुशी खुशी में 4 की रेटिंग दे दी है। और हैरानी की बात, आप इसमें क्या देख रहे हैं मालूम है, कि इस फिल्म के गाने को लेकर केस चल रहा है, इस फिल्म की कहानी को लेकर केस चल रहा है कोर्ट में। सुनने में यह आया था कि जज साहब खुद इस फिल्म को देखेंगे और उसके बाद फैसला सुनाएंगे। अब फ्राइडे के दिन ये फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन उसके पहले इसका प्रीमियर हो चुका है। फ्री में जितने फिल्म को दिखाया गया, जितने भी क्रिटिक्स वगैरह आए थे, सबको समोसा, चटनी, धनिया, पुदीना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बांटा गया, सब पिए हुए, पैसे वगैरह दिए गए, और सभी के सभी मीडिया हाउस इसकी जबरदस्त रिव्यू दे रहे हैं। सब बता रहे हैं कि फिल्म बहुत जोरदार है, फिल्म सभी का दिल जीत लेगी। केस का कुछ पता ही नहीं चला कि जज साहब ने क्या फैसला सुनाया, ये फिल्म रिलीज होगी कि नहीं होगी, करण जौहर को पैसे भरने होंगे कि नहीं भरने होंगे, कुछ नहीं पता। सब लग गए हैं कि ये फिल्म बेहतरीन है, विनर है, 4 की रेटिंग दे दी। मैं कहा 4 की रेटिंग क्यों दे रहे हो भाई, पूरे के पूरे 5 की रेटिंग दे दो, 5 में से कुछ नुकसान थोड़े ही है। ये तो फिल्म जिस दिन रिलीज होगी उस दिन पता चलेगा कि फिल्म की असली वैल्यू क्या है। कहा यह जा रहा है कि ये फिल्म पहले दिन 10 से 15 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। फिल्म 100 करोड़ के बजट में बनी है, बनने से लेकर इसके प्रमोशन वगैरह सबका खर्च मिलाकर। अब सैटरडे के दिन पता चलेगा कि ये फिल्म कितना बड़ा ज्वालामुखी फोड़ती है, कि फुसकी बम निकलती है, ये तो पता चलेगा सैटरडे के दिन। लेकिन जहां तक मुझे पूरा यकीन है, ये फिल्म उतनी ही बड़ी फ्लॉप होगी जितनी बाकी की फिल्में हुई है, जितनी बाकी की फिल्में पिछले 2 साल में होती चली आ रही है। क्योंकि एक बार अनिल कपूर वगैरह को देखने के लिए लोग जा सकते हैं, लेकिन वरुण धवन को देखने के लिए कौन जाएगा भाई, फ्री में भी ना देखे ओटीटी चैनल्स पर। और अनिल कपूर का भी जिस तरह से वो कांड हुआ है कि भाई एयरपोर्ट पर फैंस सेल्फी लेने आए तो बड़े एटीट्यूड में नजर आए, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि लोग देखने जाएंगे। लेकिन हमारे देश में जनता भी काफी बेरोजगार है, अपने पैसे लगाकर देखने जाएगी भले उनके पास काम धंधा हो या ना हो। तो देखते हैं कि सैटरडे इस फिल्म का क्या हाल होता है। वैसे फिल्म फ्लॉप होने की पूरी संभावना है, और ये फिल्म बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएगी, बहुत करेगी तो मुझे लगता है 20-25 करोड़ कमा लेगी, इससे ज़्यादा नहीं कमाने वाली है।